हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोन पे पे अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हो। फोन पे में जो न्यू अपडेट आई है उसके कारण अब जो बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस था वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप फोन पे पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोन पे को अपडेट कर लेना है, क्योंकि जो फोन पे की ये अपडेट है आधार कार्ड वाली, तो ये आपको तभी मिलेगी जब आप फोन पे को अपडेट करोगे। उसको अपडेट करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे टॉप में लेफ्ट में आपकी प्रोफाइल का लोगो दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक अकाउंट बनाया हुआ है, ऐड किया हुआ है अकाउंट नंबर, अभी हमें यहाँ पे दूसरा करना है, तो दूसरे के लिए आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सभी बैंकों के नाम मिलेंगे। आपका जो भी बैंक है, आपका मान लो जिस भी बैंक में अकाउंट है, आप सिंपली उस अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा जो अकाउंट है वो PNB बैंक में है, तो मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो चेक, यहाँ पे लिंक है या नहीं वो इसने चेक किया है। इसको चेक करने के बाद हमें यहाँ पे सेट UPI पिन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, आधार कार्ड नंबर लिंक विद बैंक और डेबिट कार्ड। अब अगर हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है, अभी हमने आधार कार्ड से अपना जो UPI पिन है वो क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिंक्ड विद बैंक इसको सेलेक्ट करके और इसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पे हमारा आधार कार्ड के जो फर्स्ट में 6 डिजिट हैं आपको यहाँ पे फिल करने हैं अपने आधार कार्ड के, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। इसको फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जैसे ये आ गया तो ये फिल हो गया, आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। जैसे आपने इसको ओके किया, आपके पास बैंक की तरफ से फिर एक OTP आएगा, वो फिर अपने आप को ही यहाँ पे फिल हो जाएगा, तो उसको फिल होने के बाद आपको सिंपली इसको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे वो फिल कर दोगे OTP, तो फिल करने के बाद हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हुआ है नहीं। मैं फिर से फोन पे को ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। प्रोफाइल पे जाने के बाद ये देखिए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है।